मैगजीन कंट्रोल एसोसिएशन जन जागृति अभियान मैगजीन के साथ जुड़े। विज्ञापन और अधिक जानकारी के लिए दिए गए पते पर संपर्क करें। जय हिंद, मैं हूं कविता, सीएन सीसीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। अजहर ने धोखाधड़ी का केस नकारा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व सांसद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने महाराष्ट्र की एक ट्रैवल एजेंसी की ओर से लगाए गए धोखाधड़ी के आरोप से इनकार किया है। साथ ही उन्होंने 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मामला दायर करने की धमकी भी दी है। ट्विटर पर एक वीडियो संदेश जारी कर अजहरुद्दीन ने गुरुवार को कहा, जिन्होंने भी FIR दर्ज कराई है उन्होंने ऐसा सुर्खियों में बने रहने के लिए किया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, आरोप बेबुनियाद है। वर्तमान में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजहरुद्दीन ने कहा कि वो अपने वकील से सलाह लेंगे और उन लोगों के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मामला दायर करेंगे जिन्होंने FIR दर्ज कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारी YouTube चैनल CNCCTV News को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी खबरें सबसे पहले पहुंचे आप तक।